नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, कहते हैं कि वक्त तो होता ही है गुजर जाने के लिए। बुरा हो तो सब्र कीजिए और अच्छा हो तो ऊपर वाले का शुक्रिया कीजिए। समय निरंतर परिवर्तित होता रहता है मित्रों, और समय के साथ साथ लोगों का जीवन भी, परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसीलिए जीवन में उतार चढ़ाव यदि आते भी हैं तो भी हम निराश ना हो, लेकिन सब्र का, धीरज का दामन थाम करके रखें, क्योंकि बातें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। किसी ने बहुत प्यारा सा गीत लिखा है कि धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के बड़े दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। तो बादल तो छटते ही हैं और सूरज तो उदित होता ही है, तो हम भी धीरज बनाए रखें, सब्र रखें, जीवन में खुशहाली अवश्य आएगी ही आएगी, क्योंकि इसी आशा, इसी विश्वास के साथ ही तो मानव जीवन में सुख है, सुकून है। तो आइए इसी विश्वास के साथ, इसी धीरज और सब्र को जीवन में अपनाने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। अक्सर देखा जाता है कि जब इंसान को अपने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, सफलता कदम चूमने लगती है, तो वो अहंकारी हो जाता है। क्षणभंगुर प्राप्तियों को वो अपनी जीवन की खुशियों का आधार समझने लगता है। और इसके ठीक विपरीत, जब इंसान बार बार नाकाम होता जाता है, उस पर दुखों का कहर टूटने लगता है, तो वो हताश हो जाता है, गलत निर्णय लेने लगता है, अपने जीवन में किस्मत को बार बार कोसने लगता है। परंतु जीवन की सत्यता ये है कि दुख हमारे धैर्य की परीक्षा लेने आते हैं और सुख हमारे अहंकार की, और इन दोनों परीक्षाओं में जो व्यक्ति उत्तीर्ण होता है वही जीवन में सफल होता है। तो सुख और दुख के इस खेल के नियम को यथार्थ समझें और जीवन में आगे बढ़ें। ओम शांति। मित्रों, शांत मन हमें शक्तिशाली बनाता है, और शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा ही विपदाओं को बहुत सहजता से पार कर लेता है। एक शांत मन वाला शक्तिशाली व्यक्ति बड़े से बड़े पहाड़ को भी आसानी से पार कर लेगा, जबकि अशांत व्यक्ति छोटे से स्पीड ब्रेकर को देख करके भी घबरा जाता है। अर्थात छोटी सी भी बात आए, छोटी सी बीमारी आए, परिस्थिति आए, तो घबराहट में वो परेशान हो जाता है और भी ज़्यादा अपनी तबीयत को बिगाड़ लेता है। इसीलिए संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए अपने मन को शांत रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। मन में शक्तिशाली संकल्पों को रखना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। और ऐसी सुंदर बातें हम लेकर के आते हैं, आपकी सेहत आपके हाथ में, जहां मन तन दोनों के स्वास्थ्य की बात की जाती है। आइए देखें आज इस सेगमेंट में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। जैसे हम वेट लॉस की बात करते हैं तो इमीडिएटली हमारे माइंड में एक वर्ड आता है, और वो है चिया सीड्स, जो काफ़ी ट्रेंड में भी चल रहा है कि भाई चिया सीड्स खाओ तो वज़न घट जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चिया सीड्स खा करके अपना वज़न घटाएं, लेकिन चिया सीड्स जब हम अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा वेट घटता है। तो हम चिया सीड्स को कैसे अपने डाइट में लेना शुरू करें? उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कोई भी जब स्मूदी या जूस बनाते हैं तो उसमें एक या दो चम्मच आप मिक्स करके पी लें। अगर आपको जैसे दही आप खा रहे हैं तो दही के ऊपर आप छिड़क के ले सकते हैं, या फिर आप कोई ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना रहे हैं डेट्स डालकर या जैगरी डालकर, तो उसमें आप चिया सीड्स डाल दें। और बहुत एक अच्छा तरीका है चिया सीड्स को अपने डाइट में इंक्लूड करने का, वो ये है कि आप एक मिक्स्ड फ्रूट बोल बना ले जिसमें दो से तीन फ्रूट्स हों, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे आपने एप्पल डाला, उसके बाद केला डाला और उसमें चीकू डाल दिया, और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करके ऊपर से आपने चिया सीड्स को स्प्रिंकल कर दिया और थोड़ा सा आपने हनी डाल लिया, तो ये एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो चिया सीड्स को अलग अलग तरीके से हम अगर
रोज अपने डाइट में लें, थोड़ा थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच बस उतना ही काफ़ी होता है। तो ये इसके जो नेचुरल ऑयल्स है ये हमारे हेल्थ को बेनिफिट करता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि मेटाबॉलिक रेट हमारी इंक्रीज होती है जिससे हमारा वेट लॉस भी होता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है चिया सीड्स के। तो आप इसको भी अपने डाइट में इंक्लूड करना शुरू करें और हेल्दी रहें। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि जीवन की तपिश को सहन कीजिए, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जो छायेदार वृक्ष के नीचे होते हैं। सचमुच यदि जीवन में संघर्ष, परिस्थिति, बातें आती हैं तो हमें निखारने के लिए आती हैं। यदि हम किसी का सहारा लेकर के ही चल रहे होते हैं या इस मानसिकता के साथ चल रहे होते हैं कि जीवन में कोई उलझन, कोई बाधा, कोई परेशानी ना आए, तो हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, हम बहुत नाजुक हो जाते हैं, और बहुत संभावना रहती है कि छोटी छोटी बातें भी हमें बहुत परेशान कर दें, निराश कर दें, डिप्रेस कर दें। इसीलिए बातें आ रही हैं तो मुझे कुछ सिखाने के लिए आ रही हैं, आगे बढ़ाने के लिए आ रही हैं। यदि हम इस भावना के साथ, इस विचारधारा के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं तो निरंतर हमारी उन्नति होती रहती है और कोई भी बात हमें लक्ष्य से भटका नहीं पाती, दूर नहीं कर पाती। इसीलिए मित्रों, चाहे कैसी भी स्थिति हो, आगे से आगे हमें सुंदरता से बढ़ते चलना है, यही हम संकल्प रखें। और आइए इसी संकल्प, इसी भावना के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। जरा ये भी सुने। सब रंग के विशिष्ट सेगमेंट जरा ये भी सुनो में मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा कवि इंदौर से आपके बीच हाजिर हुआ हूं। और मैं अपनी आज की बात को यहां से शुरू करता हूं कि एक संत ने एक तोता पाला और तोते का नाम रखा तोताराम। उन्होंने तोताराम को सिखलाया कि तोताराम नल पर नहीं बैठना। तोताराम बोलने लगा, तोताराम नल पर नहीं बैठना, तोताराम नल पर नहीं बैठना। लेकिन एक दिन संत ने देखा कि तोता नल पर बैठा हुआ था और वहां बैठकर बोल रहा था, तोताराम नल पर नहीं बैठना, तोताराम नल पर नहीं बैठना। इस दृष्टांत का आशय ये कि हम केवल बातों को पढ़े नहीं, हम केवल अच्छी बातों को बोले नहीं, हम केवल ज्ञान को रटे नहीं, बल्कि उसकी समझ को जीवन में आत्मसात करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारी हालत तोताराम नल पर नहीं बैठना जैसी नहीं होगी, बल्कि हम शब्दों की तासीर को अपनी समझ से नेस्त नाबूद करने के बजाय नत्थी करके चलेंगे उस दिशा की तरफ जहां जाकर शब्द अपने अर्थों को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हमारा विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहता है कि रटिए नहीं, समझिए। ओम शांति। मित्रों, आज संसार में जो कुछ भी हो रहा है उस सबका ज्ञान, उसकी जानकारी हम अपने पास रखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मेरे अंतर जगत में क्या चल रहा है, क्या इसकी जानकारी भी हम रखते हैं? मैं कौन हूँ, क्या इस बात का मुझे ज्ञान है? जितना बाहर की जानकारी मैं रखता हूँ या उसके लिए उत्सुक रहता हूँ, उतनी ही क्या अंदर की जानकारी लेने के लिए भी मेरे अंदर उत्सुकता रहती है? मित्रों, जितना हम अंदर को जानते जाएंगे, स्वयं को जानते जाएंगे, उतना बाहरी ज्ञान को जानना, समझना बहुत हमारे लिए सहज हो जाएगा। और आज इसी बैलेंस की आवश्यकता है। हम एक तरफ हो गए हैं, संसार की ओर झुक गए हैं, लेकिन अध्यात्म जो हमारे अंदर का ज्ञान हमें देता है, आत्मा का ज्ञान देता है, उसकी ओर से पूरी तरह से अनजान हो गए हैं। श्रवण बेलगोला भारत के कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। यहाँ बाहुबली स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें उनकी 58 फुट की अखंड मूर्ति है, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी अखंड मूर्ति माना जाता है। बाहुबली एक राजकुमार थे जिन्हें अपने ही भाई को युद्ध में हराने के बाद वैराग्य आया और वह गहन तपस्या के लिए निकल पड़े।
बाहुबली ने इंसान के आध्यात्मिक उत्थान और मानसिक शांति के लिए चार बातें बताई थीं: अहिंसा से सुख, त्याग से शांति, मैत्री से प्रगति और ध्यान से सिद्धि मिलती है। बाहुबली का दिगंबर या नग्न रूप अक्सर जैन परंपराओं में देखा जाता है और यह सांसारिक आसक्तियों और इच्छाओं पर जीत का प्रतीक है। यही कामनाएं हमारे देवत्व की ओर बढ़ने में बाधक हैं, लेकिन परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान यह स्पष्ट करता है कि यह नग्न होने की बात नहीं है। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में नग्न का अर्थ है शरीर की चेतना को त्यागना और समझना कि आप एक आत्मा हैं। साथियों, समय बदल गया है और हम कलयुग के अंत में पहुंच गए हैं। समाज में झूठ चरम पर है। सच्चाई की तलाश के लिए घर छोड़ना निश्चित रूप से कई लोगों के काम आया है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे तरीका भी बदलता है। यही वह समय है जब परमात्मा मानव क्षेत्र में प्रवेश करता है और मानव चेतना को ऊंचा करने के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। लोग और परिस्थितियाँ और भी खराब हो सकती हैं, लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि हम सारा बोझ उसी पर छोड़ दें, सांसारिक संपत्ति के ट्रस्टी बनके रहें, अपने आसपास हो रहे नाटक को साक्षी होके देखें, केवल खुद को बदलने पर ध्यान केंद्रित करें, परमात्मा को लगातार याद करके अपनी खुद की दिव्यता का उदय करें। वे चाहते हैं कि हम सभी को आत्मा के रूप में देखें, शरीर के रूप में नहीं। बेफिक्र रहें, पवित्र विचार, वचन और कर्म का अभ्यास करें, दूसरों के लिए असीमित शुभकामनाएं रखें, अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लें और दिव्य गुणों की सुगंध फैलाकर सभी की सेवा करें। परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हम जीवन में ही मुक्ति का अनुभव कर सकेंगे। मित्रों, लोहा नरम होकर के औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, आटा नरम होकर रोटी बन जाती है और मिट्टी नरम होकर खेती बन जाती है जहाँ फसल उगता है। वैसे ही यदि इंसान नरम हो जाए तो सबके दिलों पर राज्य करने लगता है। मित्रों, हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, कितना भी धन दौलत हमारे पास आ जाए, कितना भी पद और प्रतिष्ठा हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन विनम्रता जो हमारे जीवन का श्रृंगार है वो हमेशा बना रहे। यही वो गुण है, यही वो धारणा है जो हमेशा हमेशा के लिए हमें अमर कर देती है, लोगों के दिलों पर राज्य करने के योग्य बना देती है। तो हमेशा विनम्र बने रहें और सदा सदा के लिए लोगों के दिलों पर राज्य करते रहें, यही हमारी मंगल कामना है। नमस्कार, ओम शांति।